ये देखो ये फोन है बोरिंग। अब देखो एक छोटी सी चीज से, ये देखो ओ भाई साहब, ऐसे ही आपके बोरिंग फोन को सुपर कूल बना दूंगा, वो भी मिनटों में। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा लगेगा ना। हम इसे बहुत से लोग फोन में 200 मेगापिक्सल पावरफुल प्रोसेसर फास्ट चार्जर इन सभी चीजों की बात करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो फोन है उसको भूल जाते हैं। हम अपने आप को ग्रूम करते हैं, बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ऐसे ही अगर आप अपने फोन पे ध्यान दोगे ना, वो एकदम टिप टॉप सुपर कूल, सबसे बड़ी बात सुपर यूजफुल बन जाएगा। कैसे? मेरे को क्या मालूम। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं आपको 9-10 चीजें बताऊंगा, अपने फोन में ट्राई जरूर करना, फिर देखना आपको मजा ना है मुझे बोलना। सबसे पहली चीज, पहले होम स्क्रीन से ये जो सारे फालतू के ऐप्स है इन्हें हटा दो। इसके लिए ऐसे ऐप्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, और ये और इसको स्लाइड दूसरी जगह ड्रैग कर दो। इससे क्या होगा, आपका होम स्क्रीन एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम मेरे मूंछों की तरह। और यहाँ से वो एप्स भी हटा दो जो काम की नहीं है, और इसकी जगह जितने भी इंपॉर्टेंट एप्स है वो डाल दो। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, फोन में जो पहले से वॉलपेपर सेट है वही सेट करके रखते हैं। फोन थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, तो प्ले स्टोर पे जाकर आप सर्च कर सकते हो वॉलपेपर, फिर एक ऐप है टैपेट से इंस्टॉल कर लेना। तो भाई साहब ये आपको मस्त मस्त वॉलपेपर दे देगा। यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपका फेवरेट है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो कैसा पैटर्न आपको चाहिए, स्मैश, और जो सा आपको अच्छा लगे वो सेट कर लो। इससे ये देखो ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। और एक नया वॉलपेपर सेट करने से देखो एक डिफरेंट लुक आ गया, उनको एक तरह का रिफ्रेश लुक दे देता है वॉलपेपर। नेक्स्ट स्टेटस बार, लाइफ हो या फिर फोन हो, स्टेटस बहुत ही जरूरी है। तो स्टेटस थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, तो आप जानते हैं इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए एक सुपर स्टेटस बार ऐप डाउनलोड कर लो। देखो इस ऐप से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, स्टेटस चेंज करना है स्टेटस बार पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको स्टेटस बार में क्या क्या चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर बढ़ा सकते हो, आपको कितना बड़ा चाहिए, जैसे आपको पसंद हो छोटा बड़ा। ये सब करने के बाद यहाँ पर आना और स्टार्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे ये देखो चेंज हो गया ना स्टेटस बार। और इसी ऐप के जरिए आप स्टेटस बार से देखो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ब्राइटनेस घटा या फिर बढ़ा सकते हो, ये देखो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है, 90% लोग फोन में विजेट्स यूज नहीं करते, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं विजेट्स यूज कैसे करते हैं। होम स्क्रीन पर कैसे लॉन्ग प्रेस करना है, विजेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। और ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे विजेट्स, प्ले स्टोर से कुछ विजेट्स ऐप डाउनलोड कर लो। ये देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे विजेट्स मिल जाएंगे, बट एक काफी पॉपुलर है जो है KWGT कस्टम, इसे आप कस्टमाइज करके मन चाहा विजेट क्रिएट कर सकते हैं। एक होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना, विजेट पे क्लिक करना, पर कस्टम विजेट मिलेगा इस पर क्लिक करना। लॉन्ग प्रेस करो होम स्क्रीन पे आ जाएगा, यहाँ से आप इसका साइज घटा या बढ़ा भी सकते हो। देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टम विजेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमें किस तरह का चाहिए कलर। देखो यहाँ पर हमने टाइमिंग का विजेट ऐड कर दिया, इसको हम यहाँ डालते हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर हमारी टाइमिंग आएगी और यहाँ पे सर्च बार आ गया। इसे देखो हमें होम स्क्रीन एकदम क्लीन लग रहा है। नेक्स्ट आपको यूज करना है लॉन्चर, जिस तरह आपको पुराने घर में पुताई करने से घर नया हो जाता है, ऐसे ही आपके फोन में लॉन्चर से फोन एकदम नया लगने लगता है। लॉन्चर की जगह आप फोन में जो थीम्स आते हैं उसे भी आप यूज कर सकते हो, और ये जो थीम्स होते हैं कई बार पेड होते हैं, इनकी जगह पे आप लॉन्चर यूज कर सकते हो, और भी कोई दूसरे लॉन्चर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए, ये देखो फोन का एक्सपीरियंस बदल देता पूरा, ये फोन का लुक और थोड़ा सा चेंज हो गया। ये देखो अब हमने लॉन्चर भी डाल दिया, बट मजा नहीं आ रहा, ये जो आइकन थोड़े से बोरिंग नहीं लग रहे, इनको चेंज करते। तो नेक्स्ट आपको इंस्टॉल करना है आइकन पैक, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो आइकन पैक स्टूडियो, ये जो मिलेगा ये ऐप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन पैक मिल जाएंगे, ये देखो ये वाला आइकन पैक अच्छा लग रहा है। जो आइकन पैक आप डाउनलोड करेंगे उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना, देखो आइकन पैक, ओ हो, लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा दूसरा चेंज करते हैं। ये वाला आइकन पैक सही लग रहा है, वैसे कि ये वाइकन पैक है, ये देखो भाई साहब ब्लैक एंड व्हाइट है, बट कितना मस्त लग रहा है। आपको जिस तरह का आइकन चाहिए देख लेना, वैसे ये वाला आइकन देखो ये बहुत सही लग रहा है यार। नेक्स्ट आपको म्यूजिक पसंद है, वीडियो अच्छी लग रही है क्या यार, फीका फीका नहीं लग रहा, लाइक बटन दबा दो। तो एक ऐप डाउनलोड करना मूवीज का, जादू देखना पूरी फील देगा आपको। ओपन करके ड्रो ओवर द ऐप इस पे ऑन कर दो, जहाँ पे भी आप म्यूजिक सुनते हो उस पे सिलेक्ट कर दो, और यहाँ से आप एज लाइटिंग सिलेक्ट कर लेना, ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, अलाउ पे कर देता हूँ। यहाँ से आप विजुअल लाइट को सेट कर सकते हो ऊपर चाहिए, या फिर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो। देखो किसी भी तरह की म्यूजिक चलाओगे तो एज लाइटिंग आपको देखने को मिलेगा, देखो इस तरह से। नेक्स्ट आपको कस्टमाइज करना है मल्टीटास्किंग के लिए, तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब मल्टीटास्किंग काम आसान हो जाए। स्टोर पे जाके सर्च करना सर्कल साइड बार को इंस्टॉल कर लेना, और यहाँ से बस इस पे क्लिक कर देना, ऑन हो जाएगा। अब आपके पास सारे ऐप्स का एक्सेस यूं आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्लिक करके आपको सारे ऐप्स का एक्सेस मिल जाएगा। ये देखो यही में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से जो ऐप्स आप यूज करना चाहते हो, देखने में भी काफी सही लगता है यार, क्यों मानता है कि नहीं। नेक्स्ट आपको वॉल्यूम कस्टमाइज करना है, देखो वॉल्यूम बटन पर आप क्लिक करोगे ऐसा आपको कुछ वॉल्यूम आइकन दिखते हैं, इसको थोड़ा सा सुपर कूल मजेदार बनाते हैं। प्ले स्टोर पे जाके ये वॉल्यूम स्टाइल ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कस्टमाइज यहाँ पर आपको वॉल्यूम आइकन मिल जाएंगे। ये देखो UI का चाहिए, कलर OS का चाहिए, या फिर वेव चाहिए, मुझे ये वेव्स अच्छा लग रहा है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वॉल्यूम पे जाके ये ओके कर दिया, अलाउ कर दिया। देखो जैसे मैं वॉल्यूम बटन दबाऊंगा, बूम, ये देखो भाई साहब यहाँ से आप ये देखो वेव फॉर्म में आप म्यूजिक की आवाज बढ़ा घटा सकते हो। ये देखो रिंगटोन, कॉल की आवाज, नॉर्मल के कंपैरिजन में काफी बढ़िया लग रहा है यार। ये देखो स्क्रीन फिलहाल अभी आपका अट्रैक्टिव लग रहा है, बट जैसे इसे हम बंद करेंगे
अरे वाह गुड आइडिया। नेक्स्ट आपको स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगाना है, फोन के सेटिंग में जाके ऑलवेज ऑन सर्च करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके फोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करना और यहाँ पे ऑफ स्क्रीन स्टाइल पे जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना आपको अगर स्क्रीन बंद हो तो आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए। देखो और ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब जैसे स्क्रीन में ऑफ करता हूँ ये देखो टाइम आ जाएगा। देखो फोन पहले कुछ ऐसा दिखाई देता था लेकिन अब देखो ये फोन कैसा दिखाई देता है। अब आप फोन यूज करोगे आपको एकदम नया रिफ्रेश लुक लगेगा फोन का। मल्टीटास्किंग को आप आसान कर सकते हैं वॉल्यूम बटन दबाने पे, ये देखो ऐसे आइकन आएंगे। कैसे लगे आपको ये कस्टमाइजेशन कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर देना बस और वीडियो को फैला दो। अब बाकी मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।